इज़ वेलकम बैक टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो एक लेटेस्ट यहाँ पे वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो गया है, तो बहुत ही बड़ी ये गुड न्यूज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए जो वेट कर रहे थे कि कब जेके एसएसबी की तरफ से एक नया जो है वैकेंसी, नई रिक्रूटमेंट यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो जो जो बच्चे वेट कर रहे थे बहुत ही देर से कि जेके एसएसबी अब नई नोटिफिकेशन कब निकालेगा, नई वैकेंसी कब निकालेगा, उन सब के लिए खुशखबरी है। और 700 प्लस यहाँ पे 701 पोस्टें जो हैं जेके एसएसबी की तरफ से निकलने वाली हैं बहुत ही जल्द। तो पूरी अपडेट यहाँ पर आपको मिलेगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल शेयर कीजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा जो अप्लाई करना चाहते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं। इस चैनल पे नई क्लासेस भी लगती हैं, डेली करंट अफेयर्स की लगती हैं, जीके, हिस्ट्री, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और अपडेट्स यहाँ पर मिलती हैं, तो सब्सक्राइब करें, पहली बार विज़िट कर रहे हैं और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि क्या वैकेंसी है। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज यहां पे आउट कर दी गई हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, रेफरल ऑफ वैकेंसीज टू जे एंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जेके एसएसबी के लिए जो वैकेंसीज रेफर्ड की गई हैं। ठीक है, वो है 701 और वो है नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। ठीक है, वेरियस कैटेगरीज हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज है आउट कर दी गई हैं। ठीक है, जनरल की 360 वैकेंसी हैं, आरबी की 110, एससी की 74, एसटी की 54, ईडब्ल्यूएस की 43, एएलसी आईबी की 21, पीएसपी की 19 और सोशल कास्ट की 14। टोटल 701 वैकेंसी यहाँ पर जो है रेफर्ड कर दी है और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जेके एसएसबी ने नोटिफिकेशन आउट किया है हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की और आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, 6% और 4% रिजर्वेशन भी है एक्स सर्विस मैन के लिए और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि नीचे पूरा डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है जैसे 701 टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, अब देखेंगे नीचे जाके कि ये देखिए, जम्मू में जूनियर फार्मास्ट की हैं 10+2 विद मेडिकल है, जिसके पास डिप्लोमा मेडिकल असिस्टेंट का। ठीक है, उसकी लेवल फोर पे लेवल है 25,500 से इसका जो है पे स्टार्ट होगा 81,100 तक। ठीक है, जूनियर फार्मास्ट की पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको, जिसने 12th की है और जिसके पास मेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा है। जूनियर फार्मिस्ट की पोस्टें हैं यहाँ पे और देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की भी पोस्टें हैं यहाँ पे, जिसने ग्रेजुएशन की है और टाइपिंग मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट है, तो वो जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और उसको टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, जूनियर स्केल स्टेनो की भी यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, जूनियर स्केल स्टेनो, इसकी भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 65 वर्ड शॉर्ट हैंड में होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट्स का भी पोस्ट है यहाँ पे भी ग्रेजुएशन चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे चाहिए। और जूनियर स्केल स्टेनो का भी एक है यहाँ पे, ग्रेजुएट होना चाहिए और जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। और वार्डन की पोस्ट आई है, 2 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, उसको वार्डन की पोस्ट यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, अप्लाई कर सकता है और पे देखिए इतनी अच्छी खासी पे है, 35,900 से स्टार्ट है वार्डन की पे। 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है इसमें, वार्डन की पोस्टें हैं। उसके बाद एक्सटेंशन एडुकेटर की है 35,400 से, एक्सटेंशन एडुकेटर की पोस्ट के बाद है फिटर, मिडिल पास ITI ट्रेंड होना चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकता है फिटर पे। जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की देखिए 10th बेस पे लगेंगे ये 25,500, सिंपल 10th जिसकी होगी वो जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, खाली 10th, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा है। और फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर जिन्होंने ANM की है या फीमेल FMPHW किया है तो 19,900 उनकी पे स्टार्ट है, उनके लिए भी खुशखबरी है। उनकी वैकेंसीज नहीं निकल रही थी, बच्चे बोल रहे थे सर वैकेंसी कब निकलेगी,
और इस बार भी जेके बोपी के काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनकी डेट भी आ गई थी लेकिन अब डिफर्ड कर दी है, कुछ टाइम बाद उनकी काउंसलिंग होगी और बच्चे फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर में जो है एडमिशन ले पाएंगे। जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्टें हैं यहाँ पे, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन की पोस्टें हैं यहाँ पे, थिएटर टेक्नीशियन की पोस्टें हैं यहाँ पे, जूनियर फार्मिस्ट की और पोस्टें हैं, जूनियर असिस्टेंट की पोस्टें हैं जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो डेंटल मैकेनिक की भी यहाँ पे पोस्ट है, जिसने 10+2 किया है उसके बाद डेंटल मैकेनिक कोर्स किया गया है। जूनियर डेंटल हाइजीनिस्ट का भी यहाँ पे पोस्ट है, उसके बाद ड्रग स्टोर कीपर जिसने 10+2 किया है डिप्लोमा और फार्मेसी में किया है और 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स और कंप्यूटर का, उसको ड्रग स्टोर कीपर की पोस्ट दी जाएगी। प्लम्बर की पोस्ट है यहाँ पे, ITI डिप्लोमा जिसने किया है। जूनियर असिस्टेंट फिर से आ गया ये, ठीक है। बुक पिकर की पोस्ट है यहाँ पे, बैचलर डिग्री जिसने की है लाइब्रेरी साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी से। लेबॉरेटरी असिस्टेंट 10+2 जिसने की है या फिर जिसके पास क्वालिफिकेशन है 2 साल का डिप्लोमा है, उसको भी यहाँ पे लेबॉरेटरी असिस्टेंट का फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। म्यूजियम क्रिएटर की पोस्ट है, BSc जूलॉजी जिसने की है या फिर MSc जूलॉजी। रिफ्रैक्शनिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसने बैचलर इन ऑप्टोमेट्री की है या फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो जूनियर स्टोर कीपर की पोस्ट भी है यहाँ पे, ग्रेजुएशन की है और 6 मंथ का कंप्यूटर का डिप्लोमा है, वो जूनियर स्टोर कीपर की पोस्ट उसको मिलेगी। जूनियर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, धोबी की पोस्ट है, ठीक है, 10+2 जिसकी होगी और तहसीलदार से उन्हें डिप्लोमा बनवाना है, ठीक है, धोबी का। उसके बाद फिजिस्ट की पोस्ट है, जिसने BSc की है फिजिक्स में, फिजिक में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की पोस्टें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पोस्टें हैं यहाँ पे दोस्तों, देखो अभी भी कितनी सारी पोस्टें हैं। तो ये जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, चैनल के अबाउट में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इन सारी वैकेंसीज़ को देखिए किसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और अभी से उनके लिए तैयारी कीजिए। बहुत ही जल्द JKSSB इन वैकेंसीज़ को आउट करने वाला है, आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद टाइम नहीं मिलता है एग्ज़ामिनेशन को प्रिपेयर करने का, इसीलिए वैकेंसी और अपना क्वालिफिकेशन देके तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कीजिए और पास आइकन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।